अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट एडमिशंस। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। ऐसे तमाम ऑडियंस जिन्होंने जो है डिफरेंट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था, जिन्होंने एडमिशन हासिल कर लिया। स्टूडेंट्स आप काफी सारे स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि स्कॉलरशिप्स कब अनाउंस होंगी। स्टूडेंट्स आपके लिए स्कॉलरशिप्स की अनाउंसमेंट जो है वो हो चुकी है। आज की वीडियो में कम्प्लीट रहनुमाई करूंगा क्या कौन सी स्कॉलरशिप है, अप्लाई किस तरह करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके हवाले से कम्प्लीट रहनुमाई करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम तरह एडमिशन की, स्कॉलरशिप की, जॉब्स की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स बात करें आपकी पीएफ वाली जो स्कॉलरशिप है उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, अप्लाई का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इसमें आपके लिए तकरीबन जो है वो आपको 2 मंथ का टाइम दिया गया, 2 मंथ भी नहीं बल्कि 3 मंथ का टाइम दिया गया, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो स्टूडेंट सबसे पहले 31 जनवरी 2024 है। 31 जनवरी 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यतीम जो तलबा तलबात है, ऑर्फन स्टूडेंट जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड 1 to 4 के सरकारी मुलाजमीन के बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पेरेंट्स जो है वो सरकारी मुलाजमीन है लेकिन उनका ग्रेड 1 से 4 तक है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अकलीती मजाहब से तल्लक रखने वाले लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। माजूर तलबा तलबात डिसेबल स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स डिफरेंट शुहदा के बच्चे जो है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2023 में जिन्होंने की है, कम से कम आपने जो है 60% से पास की हो मैट्रिक और एफएससी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वालदेन की महाना आमदनी 60K से कम होनी चाहिए, 60,000 से आपकी आपके पेरेंट्स की जो आमदनी है वो कम होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई के लिए एलिजिबल हैं। अप्लाई की लास्ट डेट क्या है वो भी आपको बता दिया। दरखास्त देने का जो तरीका वो अगर हम बात करें तो आपने ऑनलाइन इसमें एप्लीकेशन देनी है, students.pif.org.pk इस वेबसाइट पर जाके आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो आप फिल करेंगे और वो जमा करवाएंगे। हाथ से लिखी हुई पीएफ या ऑफिस बुराए भिजवाएगी दरखास्त काबिले कबूल नहीं होगी। हाथ से लिखी गई जो एप्लीकेशन होगी वो पीएफ के ऑफिस में अगर आप भिजवाएंगे सेंड करेंगे तो वो काबिले कबूल नहीं होगी। ऑनलाइन ही स्टूडेंट्स आपने इसमें अप्लाई करना है। कंप्लीट आईडी मैंने आपको दे दिया है, 31 जनवरी 2023 लास्ट डेट है। पीएफ स्कॉलरशिप है पंजाब एजुकेशनल एंडोमेंट फंड, ये पीएफ की स्कॉलरशिप हर साल स्टूडेंट्स को जो है वो लाखों रुपए करोड़ों रुपए जो है वो स्टूडेंट्स पे खर्च करती है। स्टूडेंट्स आपके पास बहुत अच्छा चांस है, हुकूमत है पंजाब का ये जो है जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, होनहार तलबा है, उन मुस्तक तलबा तलबात के लिए जो है एक आला तलीम के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया हुआ, जो कि हर साल ही स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है। इंटर वाले स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग भी इसमें एप्लीमिशन जो लोग भी स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं स्टूडेंट्स आपने इसमें लाजमी तौर पर अप्लाई कर लें। अगर आपने मैट्रिक या इंटरमीडिएट का इम्तिहान साल 2023 सालाना में पास किया तो आपका तलक किसी भी कैटेगरी से है तो आप इसमें स्पेशल कोटा तलीमी स्कॉलरशिप के लिए दरखास्त दे सकते हैं। जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो मैंने आपको पहले बता दिया था, आप अप्लाई आपने स्टूडेंट खुद करना है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इसकी वेबसाइट पर जाके आप लाजमी तौर पर अप्लाई कर लें। डिटेल मैंने शेयर कर दी है। इसी तरह की मजीद जॉब्स की और स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स को हासिल करने के लिए चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।